हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पहले सबको मेरी तरफ से नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। और आज मैंने बनाई है स्पेशल वेज थाली। इसमें मैंने पनीर की रेसिपी बनाई है, मटर पनीर, चुकंदर की पूड़ी, पुलाव और गाजर की खीर और सलाद। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसको कंप्लीट थाली कैसे बनाते हैं। तो शुरुआत हम स्वीट डिश से करते हैं, गाजर की खीर। गाजर की खीर बनाने के लिए पहले एक पैन को गर्म करेंगे, फिर उसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी। अब इसमें सारे कटे हुए मेवे को डाल के रोस्ट कर लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, बहुत ही हल्का हल्का ही पका के हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पकाने से थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है। तो अब हम इसमें डालेंगे फिर से एक चम्मच घी। यहाँ पे मैंने गाजर घिस के रख ली थी, ये तीन गाजर हैं बड़ी साइज़ की। तो अब इसको डाल के इसको अच्छे से इसके साथ भून लेंगे। इधर गाजर को हम पकने देंगे और दूसरी तरफ हमने दूध चढ़ा रखा है, ये लगभग 1 लीटर दूध है। और इसको अच्छे से पकने देंगे, उसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसको बंद कर देंगे। और गाजर को चलाते ही रहेंगे, नहीं बीच बीच में ये जलने लगेगा। यहाँ पे गाजर को मैं अब थोड़ी देर के लिए ढक के पकने दूंगी। इधर दूध में उबाल आ चुका है तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। प्लेट को लगभग 5 मिनट बाद खोलेंगे और देखेंगे अब गाजर का पानी काफ़ी सूख चुका है। तो इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। लगभग पक गया है, मतलब जितना हमें भुनना था उतना हो चुका है। अब इसमें हम दूध डाल लेंगे। अब इसको चला के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, इसमें दूध में अच्छे से उबाल आ जाए। दूध में उबाल अच्छे से आ चुका है, अब इसको चलाते रहेंगे। इसको बनने में लगभग 20 से 25 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और मैं इसका पूरा प्रोसेस टाइम बता रही हूँ, 20 से 25 मिनट लगेगा। दूध अच्छे से उबल चुका है, अभी खीर लगभग पक चुकी है। अब इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे सब इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे। सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और इसमें अब हम डालेंगे इलायची दाना। चीनी हम सबसे लास्ट में डालेंगे और इसमें हमने 2 बड़े चम्मच चीनी डाले हैं। गाजर ऑलरेडी मीठा होता है, इसलिए हमने ज़्यादा चीनी नहीं डाली है। तो हमारी गाजर की खीर बनके तैयार हो गई। इसको ढक के हम साइड में रख देंगे, तब तक हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम कंप्लीट वेज थाली बना रहे हैं। तो दूसरा आइटम जो हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है मटर पनीर। तो ये इसका फाइनल लुक है गाजर की खीर का। तो चलिए हम देखते हैं कि मटर पनीर कैसे बनाते हैं। कढ़ाई को हमने चढ़ा दिया, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। अब मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। इसको डाल के अच्छे से रोस्ट करते हैं, तब तक हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच जीरा। अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ 10 से 12, और अदरक मैंने डाली है 2 इंच, और डाली है 3-4 लगभग मीडियम साइज़ की छोटी वाली प्याज। इसको डाल के अच्छे से चला लेंगे, ये हल्का सा पकेगा, इसके बाद ही हम इसमें आगे के स्टेप में टमाटर डालेंगे। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इसको डाल के इसको हल्का हल्का पका लेंगे। इसको पकाने के बाद इसमें डालेंगे लगभग 1 चम्मच अनारदाना जो आते हैं ग्रेवी के लिए। तो इसको सबसे लास्ट में डालेंगे, नहीं तो बहुत छोटे होते हैं, जल जाते हैं। अब गैस को बंद करके हम इसको सारा मिक्सी जार में डाल लेंगे। लगभग मैंने 5 से 6 मिनट तक इसको पकाया था। अब इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तब इसी कढ़ाई में हम फिर से तेल डालते हैं, पनीर के क्यूब जो मैंने 200 ग्राम या 250 ग्राम के समथिंग लिए है
इसको डाल के अच्छे से पका लेंगे। पनीर को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ एक ही साइड हम अच्छे से इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे और बाकी एक साइड छोड़ देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए। एक साइड ये पक चुका है तो पनीर पक के तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। इसी में हम जितना जो अभी हमने मसाला पीसा था वो सारा इसमें डाल के अच्छे से मसाले को भून लेंगे। पहले से अगर हम मसाले को पका के ग्रेवी बनाते हैं तो हमें मसाला ज़्यादा देर तक नहीं भूनना पड़ता है गैस पे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च। आप और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन गरम खड़े मसाले मैंने काफ़ी डाल लिए थे इसलिए अब इसमें नहीं डालूंगी। अब मिक्सी जार में जो भी बचा था उसके साथ मैंने पानी को मिक्स किया है और जितनी भी ग्रेवी आपको पसंद है उतना डालिए। मैंने लगभग 2 गिलास पानी डाला है इसमें। इसको चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे मटर, और ये मैंने एक बड़ी कटोरी मटर ली है, इसको इसमें डाल दिया है। अब इसको चला लूँगी, फिर इसमें डालूँगी स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। तब तक हम पुलाव तैयार कर लेते हैं। ये मैंने कुकर चढ़ाया, इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच घी, और अब इसमें डाला 1 चम्मच लगभग जीरा। कुछ खड़े मसाले डालूंगी जिसमें से मैंने डाला है तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, वही 8 से 10 काली मिर्च के बीज। अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और चावल मैंने पहले से धुल के रखा है, तो मैंने 1 बड़ी कटोरी चावल लिया है। चावल को इसमें पलट लेंगे। चावल को मैंने पहले से अच्छे से धो लिया था और इसको इसमें पलट के अच्छे से 5 मिनट तक भून लेंगे मसालों के साथ। चावल भून गया है तो अब अगर 1 बड़ी कटोरी चावल हमने लिया है तो इसमें हम पानी डालेंगे लगभग 2 गिलास। ये मैं पानी चेक कर रही थी, इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक। वैसे नमक इसमें कम ही डालेंगे क्योंकि हमारी सब्जी कचौड़ी पूरी सभी में नमक हुआ है, इसलिए इसमें हम नमक कम ही डालेंगे। और चावल को मैंने पकने के लिए रख दिया है। इधर मैं बना रही हूँ मटर पनीर। 10 मिनट बाद इसको मैं खोल के चेक कर ले रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा कच्चा है तो थोड़ी देर और पकने देते हैं। इधर पुलाव हमारे पक गए हैं और 2 सीटी आने के बाद कुकर में हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसको फिर से दोबारा खोलेंगे और इसको चेक करेंगे। अगर ये पक चुका है तो इसमें हम पनीर ऐड कर देंगे, और ये हमारी ग्रेवी और हमारी मटर लगभग पक चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे पनीर क्यूब्स जो हमने साइड में रखे थे। पनीर डालने के बाद भी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि पनीर में सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हमारी मटर पनीर बनके तैयार हो गई है, तो इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 चम्मच के लगभग। इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे तो उसका फ्लेवर और अच्छा आएगा, और कटी हुई हरी धनिया। कटी हुई हरी धनिया डाल के अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इसको ढक के साइड पे रख देंगे क्योंकि हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम बनाते हैं चुकंदर की पूड़ी। उसके लिए मैंने लिया 1 बड़ा कटोरा आटा। इसमें डाला है 1 चम्मच अजवाइन, काली मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब ये हरी धनिया डाल रही हूँ उसमें। अब मैंने जो चुकंदर घिस के रखी थी, ये बड़ा सा एक साइज़ का चुकंदर है जिसको मैंने घिस के रख लिया था। इसमें डाला है स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच तेल, और इसको हाथों से अच्छे से मसल के आटे के साथ मिक्स कर लेंगे और इसका एक सख्त डो बनाएंगे। इसके लिए मैंने लगभग
एक ग्लास पानी यूज़ किया है। हमारा डो बनके तैयार हो गया है, इसको 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। फिर इसकी हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। आप चाहें तो इसको कचौड़ी का भी शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इसको पूड़ी की तरह पतला भी बना सकते हैं। हल्का सा तेल लगा के हम इसको रोल कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको पूड़ी का साइज़ दिया है, पूड़ी जल्दी बन जाती है, कचौड़ी में थोड़ा टाइम लगता है। अब चलते हैं इसको तलने के प्रोसेस में। यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली है, ये देखिए पूड़ियाँ हमारी बेल चुकी हैं। अब हम यहाँ पे तल लेते हैं। अब हमारी पूड़ियाँ भी बनके तैयार है, तो फ्रेंड्स चलिए सर्व करते हैं। मेरी वेज थाली कम्प्लीटली तैयार है। ये रहा गाजर की घी, साइड में मैंने रखे हैं कुछ सलाद काट के, और इधर मैंने बनाई है चुकंदर की पूड़ी, मटर पनीर की सब्जी और पुलाव। साइड में आप मिर्चे का अचार देख रहे हैं। ये मिर्चे के अचार की रेसिपी मैं आगे की वीडियो में डालूँगी, ये घर का बना ही मिर्चे का अचार है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की कंप्लीट वेज थाली रेसिपी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और नए साल पे एंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और घर पे ही बना खाइए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।